पहले मुझे प्रोसेस बताइएगा कि प्रोसेस क्या है वैक्सीनेशन का पूरा, यहाँ पे अगर कोई आना चाहता है तो उसको किस तरीके से कैसे अप्रोच करें आप लोगों को? इसमें यही प्रोसीजर है कि लोगों की बाहर ज़ाहिर कतारें बन जाती हैं, लोगों का रश है, लोगों का हमारा हम पे एतमाद है, और सबसे पहले जो है ना वेटिंग एरिया में लोगों को बिठा दिया जाता है, जहाँ से उन वो जो है ना स्क्रीनिंग काउंटर पे आ जाते हैं, स्क्रीनिंग काउंटर पे उनका ब्लड प्रेशर वगैरह और डॉक्टर्स उनकी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ख़ास करके जो ये कोविड वैक्सीन है तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या मशवरा देंगे? देखिए मैं लोगों को यही मशवरा दूंगी कि जो है ना आवाम को ये सारी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी जो है हुकूमत की सोचने की बातें हैं, और आपने इतनी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग आएँ साइनोवैक ही आप लोगों को फर्स्ट डोज लगेगी और बेहतरीन वैक्सीन है, और किसी भी वैक्सीन से अभी तक कोई किसी को रिएक्शन नहीं हुआ। अच्छा एक और भी सिलसिला हम देख रहे हैं, कुछ लोगों का खास करके सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा होता है कि जी वो मैग्नेट चिपक जाता है और फिर कोई जो है वो बल्ब ऑन करके दिखा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहूँगी कि आप अफवाहों पे जो है ना ध्यान ना दें, ऐसा कोई भी तजुर्बा आप देखें पूरी दुनिया में कोई भी नहीं करता, हालांकि सारे तजुर्बे बाहर होते हैं, पाकिस्तान में तो कोई तजुर्बा होता ही नहीं है, और ये जो झूठे तजुर्बे हैं ये सारे पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो खामखा के जो है ना अफवाहों पर कान ना धरें और बग़ैर तहकीक के किसी पर भी यकीन ना करें, और कभी अंडों में से सुइयाँ निकल रही हैं, कभी इंजेक्शन पे मैग्नेट चिपक रहा है, यहाँ डेली अभी तक जो है ना 70-80 हज़ार लोगों को वैक्सीन हो चुकी है एक्सपो पे, तो अगर किसी को इतना शक है तो वो अपने साथ मैग्नेट ले आए, वैक्सीन लगाने के बाद चिपकाने की कोशिश कर दे, किसी एक को भी मैग्नेट अगर चिपक जाता है तो फिर हमें भी दिखा दे काइंडली। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आएँ, वैक्सीन लगवाएँ, और बस इस कोविड से बस दुनिया से इस कोविड का खात्मा करें। मैं मुझे बताएगा कि खास करके हमने देखा कि यहाँ पे जो कोविड सेंटर्स में आप लोगों के पास जो रूम्स वगैरह बने हुए उसमें एक वक्त में कितने लोग आके जो है वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 96 क्यूबिकल्स बने हुए हैं और बयक वक्त 96 लोगों को एक वक्त में हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। आवाम को मैं यही मैसेज दूंगी कि देखें आज से कराची में दोबारा हम लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, खुदारा वैक्सीन लगवाएं, जब वैक्सीन नहीं थी तो हम परेशान थे कि हम किस तरह से कोविड से मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह से कोविड की बीमारी से बच सकते हैं, जब वैक्सीन आ गई है और हम लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं, दिन रात हमारा पूरा अमला यहाँ मौजूद है, तो आप लोग आएँ और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएँ और इस मुझी बीमारी से अपनी अपने मुल्क की जान छुड़ाएँ।